जामुन खाने के लिए पैंट, मेरे को नींद आ रहा था लेकिन फिर भी जबरदस्ती मेरे को जामुन खाने के लिए आया। ये रहा पहलवान, ये रहा पैंचो जामुन, कहाँ गया ये रहा जामुन, आधा किलो जामुन खत्म पैंचो। पहले पहले क्या था पता नहीं, लेकिन अभी तो ये करने। मॉर्निंग गाइस, नींद पूरा करके उठा हूँ अभी, मतलब ऑलमोस्ट 8 बज चुके हैं और अभी लग रहा है कि सब कुछ सही है। लाइक मेरा जो पेन नहीं था पीछे बैक पे, लग रहा सही है, मैं जिम जा सकता हूँ। अरे ऐसा फील हो रहा है कि जिम जा सकता हूँ, तो आज जिम जाते हैं, जाते देखते क्या सीन है। छोटा सा कुछ बनाते हैं खाने के लिए और जिम जाते हैं। मुझे लगता है कुछ होगा नहीं, लाइक उधर का बड़ा नहीं होगा, जो भी है छोटा मोटा उधर ही रह जाएगा, लेकिन वर्कआउट करके आ जाऊंगा। तो कुछ बनाते हैं हल्का खाने के लिए और फिर निकलेंगे जिम। दिन बाद जिम जा रहा हूँ, लास्ट वीक तो फीवर वजह से जा नहीं पाए थे, इस वीक फिर से स्टार्ट करा तो फिर 2 दिन जिम जा, तो फिर वही सीन हो गया था। तो कितने दिन बाद जिम जा रहे, लिटरली बहुत दिन ऐसा फील हो रहा है, कितने दिन हो गए मैं जो जिम गए हुए। तो जिम में मेरे मेरा रूटीन है ना, रूटीन का फॉलो नहीं होता ना, ऐसा लगता है ये कुछ तो अधूरा है रह रहा मेरा दिन में, मतलब तो कुछ तो पूरा नहीं करता। देख कितना सुपर इंसान है, बाहर जाके बिल बजा रहा घर का, चलो चाभी मुझे पता था चाभी ले चला, तो वही बोलो मेरा रूटीन है ना जिम जाना, और रूटीन अगर फॉलो नहीं करता हूँ ना जिम वाला, तो लगता है कि दिन में एक चीज़ तो अधूरा रह गया है। तो फिलहाल आज जाते हैं जिम का, आज आराम से करेंगे, इंजरी है ना पीछे उधर बैक पे, आराम से करेंगे, सब कुछ आराम से होगा। आज गाड़ी निकाल नहीं पा रहा है क्या है? आज गाड़ी इधर है ना, मतलब बीजू लगा रखा हूँ ये सब चारों साइड गाड़ी, इधर भी एक गाड़ी है, इससे निकल नहीं पा रहा गाड़ी आज। आज ये मेरे को बोला गाड़ी निकालने के लिए, देख कैसे निकालता है गाड़ी। जिम में बोलना मेरे को जिम ट्रेनर आज, उनसे अच्छा बात है ना मेरा, तो जिम ट्रेनर बोल रहा है कि राज ब्रो अपने भाई को भी लगा दो जिम विम करने के लिए। मैं बोला करेगा 2-3 हफ्ते बाद, इसको भी लगा दूंगा फिर जिम करने के लिए। और एक चीज लेकर आऊँ मार्केट से मैं आज, जामुन, जो कि बहुत दिन से सोच रहा था ना जामुन लेकर आऊंगा मार्केट से, जा रहा था लेकिन मौका नहीं वो मिल पाता था जामुन वामुन लेकर आऊँ, तो जामुन लेकर आए हैं, वो भी इसने चूज करा। कितना? 1/2 kg, पूरा 1/2 kg जामुन पैंच खाएंगे, मजा आएगा। बहुत दिन में जामुन की, जब मैं हॉस्टल में था ना तो हॉस्टल में जामुन का पेड़ था, तो वहां से एक आध जामुन खाया था, मतलब वो मिलता था तो कभी कभार एक दो खा लिया था, बाकी प्रॉपरली खाऊंगा आज। तो फटाफट ड्रेस वेस चेंज करते हैं, पहले अपना ब्रेकफास्ट करते हैं फिर खाएंगे जामुन, मजा आ रहा भाई, मजा आ रहा। तो अभी हम बैठे जामुन खाने के लिए पैंट, मेरे को नींद आ रहा था लेकिन फिर भी जबरदस्ती मेरे को जामुन खाने के लिए आया। ये रहा पहलवान, ये रहा पैंचो जामुन, कहाँ गया ये रहा जामुन, देख के पता नहीं क्यों मजा आ रहा है इसको। जामुन खत्म, आधा किलो जामुन खत्म पैंचो। पहले पहले क्या था पता नहीं, लेकिन अभी तो ये करने। ये मेरा है, ये इसने खाया, इसमें से आधा मेरा है। खा के मस्त पैंचो, कितने साल बाद खाया लेकिन आधा किलो खा गया। अब लंच करेंगे, कितना? आधा घंटा बाद, 12:30 हो रहा है अभी। अंडा अभी लंच करेंगे हम, और टाइम थोड़ा ज्यादा हो गया, जितना टाइम 15-20 मिनट से लगे बस अंडा फ्राई करे जा रहे करे जा रहे। मैं आया था किचन में कितना 12:55 के आसपास, अभी हो रहा है 1:20 के आसपास, तो कम से कम 20-25 मिनट हो गया ऑलमोस्ट। और बस कितना काम करा पता है, मैं दिखाता हूँ, बस ये अंडा फ्राई करा अभी थोड़ा हो रहा है, और ये तो रात का बनेगा वो है थोड़ा सा, बस इतना ही काम करा, लेकिन टाइम ज्यादा हो गया। कोई नहीं, फटाफट बनाते और खाते निकलते ड्यूटी पे। और वेदर क्या प्यारा होगा, देखो बाहर का वेदर, मैंने इतना प्यारा वेदर है, पता नहीं कैमरे में दिख रहा होगा नहीं दिख रहा, लेकिन बहुत ज्यादा प्यारा वेदर है, बहुत ज्यादा। मन तो निकला ड्यूटी जाने के, लेकिन क्या करें, जाना पड़ेगा, सैटरडे है ना जाएंगे, कोई दिक्कत नहीं है। अभी तो 4-5 दिन ड्यूटी, इस हफ्ते का अच्छा ही निकला है आज का। हमारे वर्ड में ना, इसको थोड़ा आटा झुटू है, हमारे वर्ड में ना हर दिन ब्रदर सिस्टर शील होता है, हर दिन पानी गिरा दिया, थोड़ा कम कर दो, थोड़ा कम कर दो, इतना गिरा दे, अल्लाह मैं पी लेता हूँ, मेरे तो मैंने तुम गिराया पानी। हमारे वार्ड में हर दिन ब्रदर सिस्टर चेंज होता है, हर दिन। कल का अच्छा था, आज का पता नहीं कैसा होगा, आज का लास्ट ड्यूटी आफ्टरनून का, फिर मंडे से मॉर्निंग स्टार्ट हो जाएगा, तो आई होप कि आज का ड्यूटी अच्छा निकल जाए। बस एक ब्रदर सिस्टर अच्छा होता है ना वार्ड में, तो काम वाम करने में भी अच्छा लगता है। एक नहीं होता है ना, अच्छा नहीं होता है ना, भले 1 घंटे का ड्यूटी क्यों हो, मतलब बोरिंग निकलता है प्रॉपर, तो फटाक से निकलते हैं ड्यूटी है, वो देखते कौन सा ब्रदर सिस्टर और कैसा आज का दिन जा रहा है।
अभी आया टी ब्रेक पे, आते टाइम एक ब्लड ड्रॉ था, ब्लड ड्रॉ करा, एक औरत का ब्लड ड्रॉ था, मैंने आज तक औरत का ब्लड ड्रॉ करा नहीं, जितना ये ब्लड ड्रॉ करा ना आज तक सब जेंट्स का करा हूँ, कोई भी लेडी कोई भी औरत कोई लड़की करा नहीं आज तक। पहली बार एक लड़की, लड़की नहीं एक औरत थी, आंटी थी, उसका ब्लड ड्रॉ करा तो हो गया एकदम आसान से। ब्लड ड्रॉ कर ऐसा हैबिट हो गया ना कि मतलब ईजी हो जाता ब्लड ड्रॉ। एक कैनुला था अंकल का, मतलब हाँ अंकल का, तो कैनुला मतलब दो बार ट्राई करा एक्चुअली मैंने, दोनों बार सीन हो गया, लाइक डिहाइड्रेशन था बॉडी, कैनुला डारा स्वेलिंग हो गया, तो मैंने ब्रदर को बोल के फिर ब्रदर ने कर दिया। अभी रूम में थोड़ा सा रेस्ट करेंगे, थोड़ा रेस्ट करते रूम में और फिर निकलेंगे 5 बजे के आसपास। ड्यूटी जाने से पहले क्या नहीं रहता कि बहुत ज्यादा वेदर खराब है, वेदर अच्छा है, जाने का ड्यूटी मन नहीं कर रहा है। मैं रूम पे आया हूँ टी ब्रेक पे रेस्ट कर रहा हूँ, अचानक से ध्यान धम धम आवाज आ रहा, देख रहा हूँ बाहर बारिश हो रहा है। अब ड्यूटी निकलना पड़ेगा मेरे को आधे घंटे में, बारिश खत्म नहीं हो तो फिर फंस जाऊंगा इस तरह से, और वर्ल्ड मैक अटेंडेंस रिलेटेड वो अलग से टेंशन है, तो देखते रहें तो क्या करेंगे, भीग भीग के जाना पड़ेगा अगर ऐसा सीन है तो। देख बारिश तेज हो रहा है, ले कैमरा घुमाया बारिश खत्म हो गया, पता है बारिश खत्म हो गया, कैमरा घुमाया बारिश खत्म, तो ये क्या मैजिक हो गया, सेकेंडों में धूमधाम बारिश खत्म, एकदम निकल जाएंगे 10-15 मिनट में निकल जाएंगे खत्म करके। अभी हो रहा है 5 महीने निकल चुका हूँ वापस हॉस्पिटल के लिए, अभी भी बारिश बाहर में थोड़ा थोड़ा आ रहा है, इतने में भीग के निकल जाऊंगा तो अच्छा रहेगा। मैं ज्यादा खत्म होने का वेट कर रहा, पता चला बहुत जोर से बारिश आ गया और प्रेजेंट लेने भी आ गया, फिर एब्सेंट हो जाऊंगा फालतू में, तो इतना बारिश में भीग के जा ही सकते हैं, निकलते पहले ठीक है ना। आज मेरा लास्ट ड्यूटी था आफ्टरनून का, मेरा मंडे से आएगा मॉर्निंग शिफ्ट। मेरे वार्ड में ना एक पेशेंट बिहार का है, और मैं लास्ट वार्ड में जब था उधर भी एक पेशेंट बिहार का था, तो दो दो वार्ड में एक बिहार बिहार का मिली है, तो जब मैंने उसको बोला ना कि आप बिहार से हो क्या, तो उसने बोला हाँ, फिर हमारी बात हुई। तो मेरे को तो फील होता है ना जब भी मैं कोई पेशेंट देखता हूँ बिहार का, इसलिए नहीं कि वो पेशेंट बन गया है, इसलिए कि अगर तुम सपोज हो रहा, अगर तुम कहीं पर गए हो कोई पेशेंट बन के चाहे कुछ भी, और वहाँ पर तुम्हारे को सब अलग तरह से कैटेगरी का बंदा मिला, वहाँ पर तुम सडनली एक अपने साइड का बंदा मिल जाएगा, तो तुम्हें कैसा फील होगा। तो मैं ना वही फील करता हूँ कि इसको जो अच्छा फील हो रहा होगा ना, वो फील को मैं फील कर सकता हूँ, उसको कितना अच्छा फील हो रहा है कि हाँ एक कोई तो है कि उसके साइड का कोई या कोई भी जो उसको अच्छा फील करा सकता है। तो उनसे बातें बातें करा, बहुत अच्छा लगा बातें करके। लास्ट वार्ड में एक बिहार का पेशेंट था, उनसे बहुत अच्छा बात हो गया था मेरा, तो वो भी एक अच्छा फील, जब भी मेरे को देख रहे हैं एक अच्छा फील कर रहा है मेरे को देख के। आज भी जब वो लोग जाना कि ये भी हमारे उधर का ही है, मतलब नॉर्थ साइड के ही हैं, तो उसको भी एक अच्छा फील होना स्टार्ट हो गया कि हाँ एक एक क्या बोलते हैं स्टाफ नर्स है, जो क्योंकि ऑब्वियसली उनके नज़र में हम स्टाफ नर्स ही है, उनके नज़र में ऐसा नहीं कि स्टूडेंट है, क्योंकि हमें सब आता है जो एक स्टाफ नर्स करता है, ये फेंकने वाली बात नहीं है, एक्चुअली है, भले मैं तनख्वाह नहीं मिलता वो अलग बात है, मिलता है जो खा जाता है, ओके दैट वाज पर्सनल ओके। तो उसको जो फील होता है ना एक अच्छा वाला, मैं समझ सकता हूँ ये सब फीलिंग कि मतलब वो लोग कितना अच्छा फील करता है, क्या सीन ये नहीं है। तो बस अभी आए हैं, फटाफट ड्रेस चेंज करते हैं, 8 बजने वाला है, फटाफट पार्टनर को छोड़ कर आते हैं, और थोड़ा बहुत काम है वो छोड़ के फिर करेंगे, क्योंकि 8 मिनट से लेट हो गया ना इनको, तो फिर वो सीन झेल नहीं पाएंगे, फटाफट पहले ड्रेस चेंज करते हैं। बाहर से आते पहले कपड़ा डाला मैंने क्लिनिक में, जितना कपड़ा था ना मेरा, क्योंकि कल तो ड्यूटी बहन चो ओ कल तो ड्यूटी नहीं है ना, तो बहुत सारा कपड़ा था ऐसे, तो मैं वेट कर रहा था छुट्टी मिलेगा तो एकदम से डाल दूंगा, तो वो डाला, और लीडर सोच रहा हूँ कि बाहर से आगे करूँ, क्योंकि ना एक बोतल पानी लाना पड़ेगा बाहर से, और अंडा खत्म हो रहा था घर का, तो प्रोटीन पहनचो खुला लगा ना अंडा से बाहर से, तो बहुत महंगा पड़ जाता है मेरे को, कि खुला पीस मिलता 7 रुपये का, कहीं पर 7.5 कहीं 6.5, और जब मैं वो लाता हूँ ट्रे लाता हूँ उठा के, तो मेरे को पड़ता है 5.5 रुपये पड़ के, तो ऑब्वियसली मैं थोड़ा घर ही जाऊँगा ना, अगर मैं इतना सारा अंडा कंज्यूम कर रहा हूँ तो मेरे को ट्रे में फायदा होगा, मेरे को छोटा मोटा लेके घाटा लगता है मेरे लिए, तो पहले अंडा ले आते बाहर से और फिर खाएंगे खाना, वाला तो बना पड़ा है, कुछ बनाने की जरूरत है नहीं, बस बाहर से अंडा लाना है, पानी लाना है बाहर से भी, और कूड़ा अगर होगा तो कूड़ा है, चेक करे वाली हाँ चेक कर, कूड़ा है तो कूड़ा भी ले, हाँ कूड़ा उठा ले, कूड़ा भी है कूड़ा फेंक देंगे, ये ना ले चल बोतल ले अंदर से कहो, और ले लिया बोतल बाहर आके, और तू कपड़ा पहन फटाक से टी शर्ट पहन ले कोई फूल वाला, और जाते हैं बाहर फटाक फूट कूड़ा फेंकते हैं, कि कूड़ा अगर रहे घर में तो स्मेल छोड़ेगा, फालतू होता है ना गंदा स्मेल आता है, उस पर एक कीड़ा बैठता है पता नहीं छोटा सा, छोटा सा वो उड़ता रहता और भी गंदा दिखता है इसके, तो इसीलिए फेंक देना ही अच्छा होगा, ले ले जूटी पहना मुंह देख, आ जा वाह। एक्चुअली हम दोनों बाहर गए थे, मैं और जूटी दोनों बाहर गए थे, और मैं सब्जी ले आया हाथ में, और इसको मैंने बोला कि तू पानी लेके चल, इससे उठवाने का मेन एक ही रीजन है वेट, ताकि बॉडी से अरे इतना उठा के खांसना स्टार्ट कर दिया, एक ही रीजन है ताकि इसका बॉडी से ना एक्स्ट्रा जो होता है ना वो फैट वगैरह कैलोरी वगैरह बर्न होगा, और कुछ ज्यादा नहीं, बाकी उठा तो मैं भी सकता था, कोई नहीं, अब तो रूम आया सब काम करके। बहन जो फिर वही सीन, अंडा लाने गया मदर क्या बोलते हैं,
जहाँ से मैं लेता हूँ होलसेल पे, बहन जो वो बंद है, तो कल देखते हैं दिन में निकलेंगे या तो परसों मैं ऐसे जिम जाऊँगा तब ले लूँगा। परसों जिम मेरे को लेट हो जाएगा एक्चुअली, क्योंकि परसों जिम जाऊँगा मैं कब आफ्टरनून में, और मेरे को फिर पूरा दिन कल का और परसों का पूरा दिन क्या करूँगा मैं, तो मेरे को ना कल ही लेना पड़ेगा अंडे, देखते हैं कल, वो तो बाद में सोचेंगे। फिलहाल रूम आए हैं फटाफट ये सब एडजस्ट करते, कपड़ा खाना खाने के बाद धो लेंगे, फिर खाना खाते हैं अभी। चिंटू भैंस ये पता नहीं वीडियो में अचानक क्या हो जाता है, मेरे ब्लर मेरे मुंह पे करना चाहिए, भैंस क्या बोल रहा है, ब्लर मेरा बैकग्राउंड करना चाहिए, ब्लर करता है मेरा मुंह है वो। कभी कभी ऐसा होता, हमेशा नहीं होता, जैसे ये मेरा वीडियो भी सही आ रहा होगा मुझे पता है, इससे पहले का क्लिप थोड़ा सा मेरा फेस ही ब्लर होगा, उसमें बैकग्राउंड थोड़ा क्लियर होगा, पता नहीं कैसा कैसा हो जाता है अजीब से। तो फिर आ जाओ चिंटू, चिंटू अंडा थोड़ा बनाता है, वही सीन अंडा, फिर वही नॉर्मल दुकान से लेना पड़ा भैंस में, केला तो मैं जहां से लेता हूँ वही से लिया, मैं एक्स्ट्रा घर बना इसी, ये बोल रहा था कि भैया अमरूद खाना है, और उसी के मम्मी का फोन आ गया, बोला कि अमरूद ही ना अनार, तो पैंचो अनार भी लाया है आज, अनार भी है, केला तो मैं हर दिन ही लाता हूँ खेत दो दो केजी करके, वो कोई नई बात नहीं है मेरे लिए। और फिलहाल खाना तो बना पड़ा है, पहले वो बनाते थोड़ा सा अंडा बनाते दोनों मिनट का, निकल कटोर ऊपर से जिंदो ले, अरे काम वाम करके मैं अभी फ्री आऊँ लिटरली, कितना 10:30 बज रहे हैं ना अभी, अभी फ्री हुआ मैं, तो बस आज के लोग यहीं एंड करते हैं, मिलते कल के नेक्स्ट ब्लॉग में, तो टाटा बाय बाय टेक केयर, और इसको देख के कर रहे हैं।